नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अभी कुवैत से रिलेटेड। कुवैत ने कुछ परिवर्तन करते हुए उनको समझ में आ गया कि भाई अगर इसी तरीके से फ्लाइटें बंद रखेंगे 31 कंट्रीज़ के लिए, तो फिर हमारे में जो ज़रूरत है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुवैत सरकार के लिए, कुवैत के लिए, जिनमें कौन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, जज वगैरह हो सकते हैं, या और भी इंपॉर्टेंट भाग है जो सरकार का मान लीजिए या वहाँ का डिपार्टमेंट का, अगर वो फिर विदेशों में फंसे रहेंगे या फिर टीचर्स वगैरह, तो फिर कुवैत में काम कौन करेगा, सिस्टम कैसे चलेगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, वो आज डिसाइड हुआ। आज की मैं बता दूँ 9 अगस्त में आज मीटिंग थी, इसका ने कल लिखित रूप में आ जाएगा। मीटिंग में ये फैसला हो चुका है, जी हाँ, कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण लेते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि भाई हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हैं कर्मचारी, उनकी लिस्ट बनाई जाए। जी हाँ, कौन कौन कर्मचारी हैं, उनका आईडी, हकामा नंबर, उनका वीज़ा, पासपोर्ट नंबर, कौन सी कंट्रीज़ में हैं, कौन से जॉब से रिलेटेड है, पूरी लिस्ट बनाई जाए ताकि हम उनको वापस कुवैत में लाया जा सके। और बता दूं भाई, सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए साफ बोल दिया है, वीज़ा वाले, जी हाँ, वीज़ा से नए जो वीज़ा हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा, चाहे वर्क परमिट वीज़ा, उनकी जो यात्रा है अक्टूबर तक टाला जाए। जी हाँ, अक्टूबर का मतलब आप समझ सकते हैं भैया, नेक्स्ट मंथ में ये बात गई, कुवैत की फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होने वाली है, ये फैसला हुआ है। हालांकि आधिकारिक घोषणा कल होगी, आज तो मीटिंग हुई थी, उसमें ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते, उन्होंने एक और भी प्रस्ताव दिया है कि भाई जो 14 दिन का जो क्वारंटाइन है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है एक आम आदमी के लिए, तो इसको अंदर कुछ चेंजिंग किया जाए। चेंजिंग क्या है, सेम दुबई वाला सिस्टम कर दीजिए, सिंपल बात है कि जाते उनका टेस्ट कीजिए, फिर उनका तुरंत 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटाइन कीजिए, नेगेटिव आता है तो फ्री कीजिए, सिंपल सी बात है। 14 दिन का रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सऊदी, दुबई गवर्नमेंट ने, यूएस सरकार ने भी तो ऐसे कर रखा है ना, को पता है भाई, सरकार ने लगभग 31 कंट्रीज़ में फ़्लाइट बैन कर रखी है। मैं बता दूं आपको, इसमें ज़्यादा जिन जोखिम है, जिनमें ज़्यादा कोरोना केस हॉटस्पॉट जिनको बोल सकते हैं, कि उनको लगता है कि भाई यहाँ के लोग अगर कुवैत में आएंगे तो हमें ज़्यादा खतरा हो सकता है, उनकी लिस्ट मैं बता दूं साथियों। सबसे पहले भारत है, ईरान, चीन, लेकिन अभी ब्राज़ील, कोलंबिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, सीरिया, स्पेन, सिंगापुर, बोनसिया, हर्जेगोविना, श्रीलंका, नेपाल, इराक, मेक्सिको, इंडोनेशिया, चिली, पाकिस्तान, मिस्र, लेबनान, हांगकांग, इटली, उत्तर मोडोशिया, मोल्दोवा, पनामा, पेरू, सर्बिया, मेंटेनेग्रो, डोमिनिकन गणराज्य, कोसोवो आदि देशों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। इन देशों में 31 कंट्रीज है भाई। अब इनमें जो लोग उनमें वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने जो फर्स्ट में बताया, उनको छांट के उनको वो कंट्री आने के लिए इजाज़त देगी। जी हाँ, बस ये अपडेट। और वो आएंगे कैसे भाई, आप समझ सकते हैं कि इन कंट्रियों के लोग वहाँ हैं, वो अपने अपने देश आ रहे हैं, तो फ्लाइट जाएगी उसी में इनको वापस लेके आ जाएंगे, सिंपल बात है। बाकी फ्लाइट अक्टूबर तक टालने का विचार हो चुका है कुवैत से रिलेटेड। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।